हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 12 फिजिक्स केस स्टडी क्वेश्चंस। सो जैसे कि आप सबको पता है कि एज न्यू पैटर्न ऑफ सीबीएसई आपको इस बार केस स्टडी क्वेश्चंस भी आएंगे। सो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये केस स्टडी क्वेश्चंस क्या होते हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। सो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ये पैराग्राफ है फोर्स ऑन अ चार्ज इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड पे है जी पैराग्राफ। सो दैट मीन्स ऐसा नहीं होगा कि आपको पैराग्राफ से ही क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं, इसके बहुत चांसेस कम है। अगर आपको ऐसा मिलेगा भी तो एक आधा क्वेश्चन मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। सो आपको पैराग्राफ देने का मतलब ये होता है कि आपको ये समझ में आ जाए कि जो पैराग्राफ गिवन है वो किस चैप्टर से है, एंड आफ्टर दैट आपको उस पैराग्राफ पे वर्क करना होता है। फॉर एग्जांपल, इसमें आपको पैराग्राफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में गिवन है, जो कि आपका चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है। ठीक है, यू ऑल नोस अ पॉइंट चार्ज क्यू moving with velocity v and located at r at a given time t in the presence of both electric field and magnetic field b. The force on electric charge q due to both of them can be written as this one is called Lorentz force. So that means ये paragraph आपको ये बताता है कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाली फोर्स क्या होगी और उस फोर्स को क्या बोला जाता है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ के ऊपर इन्होंने एक डायग्राम दिया है और फिर हमसे फोर क्वेश्चंस पूछे हैं। सो लेट्स रीड फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ चार्ज क्यू इज़ मूविंग अंडर फील्ड, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड of field as well as velocity of charge particle, what kind of field is a charge moving in? सबसे पहले आप खुद सोचो इसका राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। कहते हैं कि कोई अगर चार्ज है, ठीक है, वो मूव कर रहा है किसी फील्ड में, वो फील्ड हमें नहीं बताया, मे बी दैट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ, एंड जो फोर्स एक्ट हो रही है इस चार्ज पे वो डिपेंड कर रही है, दैट इज़ योर फोर्स। जो फोर्स होगी वो डिपेंड कर रही है आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, उस फील्ड पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, फील्ड अब हमें पता नहीं है, सो वी कैन राइट हियर एफ ई एल डी, ओके, फील्ड पे डिपेंड कर रही है, एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। What kind of field is a charge moving in? तो बताओ कि वो चार्ज किस फील्ड में मूव कर रहा है। सो देखो, इस क्वेश्चन का अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आपको हिंट गिवन है पैराग्राफ में, F is equal to QE और QVB। सो अगर हम इसको रिलेट करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि QVB जो फॉर्मूला होता था, दैट इज हियर इज क्यू तो हमारा मूव कर ही रहा है, ठीक है, वी भी हमें गिवन है और फील्ड का हमें पता नहीं था। सो इस क्वेश्चन में अगर हम रिलेट कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा फील्ड है वो बी है, और बी को किससे डिनोट करते थे हम, बी मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका राइट आंसर होगा मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, उसी पैराग्राफ पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड विल वैनिश, वैनिश मतलब ख़त्म। कहता है कि जो फोर्स एक्ट हो रही है चार्ज पे, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो ज़ीरो हो जाएगी, वैनिश मतलब ज़ीरो हो जाएगी। किस केस में होगी, अगर वी स्मॉल है और अगर वी परपेंडिकुलर है बी के, परपेंडिकुलर मीन्स जो आपका एंगल है थीटा वो 90 डिग्री बन रहा है, अगर वी पैरेलल है बी के मीन्स थीटा ज़ीरो डिग्री हो रहा है, एंड नन ऑफ दिस। सो आपने अगर इसकी डेरिवेशन देखी होगी तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, राइट।
और f इज इक्वल टू क्यू वी अगर हम ओपन करके लिखें तो हम कैसे लिखते हैं बोलो। हमारा फॉर्मूला बनता था f इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब उसने बोला है कि जो फोर्स है वो ज़ीरो हो रही है, तो ज़ीरो कैसे होगी अगर मैं यहाँ पर कौन सा एंगल रखूँ। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो रख दूँ, हमें पता है कि साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, राइट, साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो। सो ठीक है, सो इफ़ आई पुट साइन ज़ीरो डिग्री देन इट बिकम ज़ीरो। तो दैट मीन्स अगर मैं थीटा को ज़ीरो डिग्री फिल करती हूँ तो मेरा आंसर ज़ीरो आ रहा है, मीन्स मेरी फोर्स वैनिश हो रही है। और ज़ीरो डिग्री रखने का मतलब ये है कि आपका कौन सा एंगल वी एंड बी का एंगल, वी और बी के बीच का एंगल की बात हो रही है, राइट। इसमें ध्यान दे रहा हूँ, वी और बी के बीच की एंगल की बात हो रही है। वी और बी का एंगल ज़ीरो डिग्री होने का मतलब क्या है कि वी एंड बी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। सो राइट आंसर इज सी। सो सी नेक्स्ट, इफ़ इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस देन फोर्स एक्ट अलोंग। सो ये क्वेश्चन आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से सॉल्व होगा। इसको ट्राई करके देखना कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग रखनी है एंड देन फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है। और मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते थे थंब से, राइट, और इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं हम फोर फिंगर एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज होता था आपका सेंट्रल फिंगर, राइट, वेरी गुड। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आपने इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आएगा डी ऑप्शन, दैट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। सो लास्ट क्वेश्चन है इसी केस स्टडी पर, द वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। सो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसने पूछा है कि इनमें से जो कौन से वेक्टर हैं एफ वी और बी में से जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम जानते हैं कि तीनों वेक्टर ही आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, सो आंसर इज ऑल ऑफ दी। सो स्टूडेंट, ये एक सैम्पल था आपको ये बताने का कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे इस बार सी बी एस ई में। तो आपको उस अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को पढ़ना है, ये नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ ले, उसको डीपली स्टडी करो। कुछ भी पूछ सकते हैं वो, अगर आप ऊपर से पढ़कर जाओगे तो वहाँ पे आपसे कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। सो ऐसे ही केस स्टडीज़ मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करती रहूँगी। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। Thank you so much.